So in this video, we are going to see how to connect AWS instance to a like command prompt terminal or through a web. ठीक है. तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लो आप, लाइक मुंबई जो भी है हम लोग मुंबई सेलेक्ट करके चलेंगे. उसके बाद आप EC2 पे क्लिक करो. So once it will be open, create instance here and launch instance. So give a name to this EC2 instance, like server 1. Okay. ठीक है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, तो मैंने उबंटू सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद लाइक इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो मैंने रखा. की पेयर एक नया की पेयर आप क्रिएट कर लो ताकि आप इस मशीन से कनेक्ट कर पाओ. की पेयर ओके, ये हो गया. और यहाँ पे आप स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हो. फिर लॉन्च पे क्लिक कर दो. जब तक ये लॉन्च हो रहा है आप टर्मिनस डाउनलोड कर सकते हो. तीन तरीका है कनेक्ट करने के लिए, पहला वेब, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट और तीसरा टर्मिनस. और पुटी भी यूज कर सकते हो और भी तरीके हैं, तो हम लोग ये तीन देखेंगे, वेब, टर्मिनस एंड कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है. सो टर्मिनस डाउनलोड. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं नहीं करूँगा. बट आप विंडो के लिए जाओगे या उबंटू के लिए और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे. ये जब डाउनलोड हो जाएगा तब आप इंस्टॉल कर लोगे और उसे आपको ओपन करना है. ठीक है. टर्मिनस ओके, आई थिंक मेरे में भी नहीं है. चलो कोई नहीं. ठीक है, तो ये लॉन्च हो गया हमारा मशीन. और इसके बाद तो फर्स्ट तरीका है लाइक वेब के थ्रू कनेक्शन करना. तो अपना EC2 मशीन सेलेक्ट करो इस तरह से और कनेक्ट पर क्लिक कर दो. ये इस डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा और तुम्हें सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक करना है. अगर ये प्रोसेस काम कर रही है तो तुम इसके थ्रू कनेक्ट कर लो, और नहीं कर रही है तो कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनस पे देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी. मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें उतना परमिशन नहीं दिया जाएगा AWS में, तो तुम वेब के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाओगे. लेकिन तुम्हारा अपना AWS अकाउंट है तो तुम इजीली कनेक्ट कर सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है तो. ठीक है. दूसरा तरीका, यहाँ तुम SSH देख रहे हो, इस पर क्लिक करो. ये कमांड को कॉपी करो और जहाँ तुमने की पेयर फाइल डाउनलोड करी थी वहाँ जाओ और वहाँ पे CMD ओपन कर लो. CMD ठीक है, और यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर दो. कॉपी नहीं हुआ, कॉपी तो हुआ है. ठीक है, और इंटर प्रेस कर दो. ये यस में पूछेगा, यस लिख देना. वो दिखेगा भी नहीं पर तुम्हें यस लिखना है और इंटर प्रेस कर देना. दिख गया, चलो कोई नहीं. तो ये कनेक्ट हो जाएगा और इस पे तुम अपना सारा काम कर सकते हो. ये सेकेंड वे था. थर्ड, तुम्हारा टर्मिनस जैसे लाइक फाइल अपलोड की जो काम हम लोग करते हैं वो थोड़ी इजी हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ मोस्टली.
इंस्टॉलेशन ये आई थिंक 1 मिनट लेगा। जब भी तुम्हारा इंस्टेंस बन जाए मतलब काम हो जाए तो इंस्टेंस को डिलीट कर देना। तो डिलीट करने के लिए इस पे आओ, इंस्टेंस स्टेट, और यहाँ से टर्मिनेट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। और अगर तुम इस पे कोई लाइक सर्वर स्टार्ट करते हो तो मोस्टली पोर्ट ब्लॉक का इशू आता है, तो तुम सर्वर पे क्लिक करोगे और यहाँ तुम्हें सिक्योरिटी ग्रुप्स मिलेंगे, तो यहाँ जाके तुम्हें पोर्ट को चेंज करना है ताकि जो पोर्ट ब्लॉक का इशू आ रहा है वो तुम्हें नहीं आए। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप ओपन हो गया, और ये यहाँ तुम्हें इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स है। मोस्टली तुम्हें इनबाउंड रूल को ही चेंज करना होता है ताकि वो पोर्ट ओपन हो जाए और उस पर लाइक आप बाहर से कनेक्ट कर सको। तो यहाँ आप लाइक कस्टम सेलेक्ट कर लो, पोर्ट का नाम दे दो लाइक 8080 999, और यहाँ सारे आईपीज आप ऑल आईपीज के लिए अलाउ कर दो, बस ये हो गया पोर्ट चेंज। उसके बाद आप उस पोर्ट पे कुछ भी रन करोगे उस आईपी से एक्सेसिबल रहेगा। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप लॉगिन कर लोगे। उसके बाद फिर यहाँ आप नया होस्ट बना के कनेक्ट कर सकते हो। तो न्यू होस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ उस होस्ट का आईपी देना है, तो आईपी हम लोग उठा लेंगे इधर से। ओके, स्लो हो गया सिस्टम। और यूजर नेम हम लोग उबंटू ही रखेंगे, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम लोगों ने की पेयर डाउनलोड कर रखा है, तो की पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू की। ओके, की इम्पोर्ट की, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। सेव, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, नाम नहीं दिया है तो कोई नहीं चलेगा। हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम 3 वे है तुम कनेक्ट कर सकते हो। और लाइक तुम्हें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो एसएफटीपी पे क्लिक करो, यहाँ सेलेक्ट होस्ट, ठीक है। ये मैंने होस्ट सेलेक्ट कर लिया, और लाइक फाइल को तुम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट करना और फाइल वो ट्रांसफर हो जाएगी। कि फाइल कोई मिले यूजर नहीं होगी, तो अब तुम्हें यहाँ सेलेक्ट करना है तुम यहाँ पे फाइल कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हो, तो तुम इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे और फिर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके, आ जाएगा। अच्छा, ये अपलोड हो गया, ठीक है। तो रिप्लेस कर दो, और तुम ये देख सकते हो होम उबंटू, तो यहाँ पे तुम जाओ और ये हो गई अपलोड, तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा आई थिंक ये।
होम उबंटू ना, तो उस लोकेशन पे तुम्हें जाना पड़ेगा। लोकेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं छोटी से। हाँ होम पे है। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अपलोड इसी तरह से होते हैं। तुम ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है? ये बैटरी डेड होने वाला है, लाइक नहीं है। चलो कमेंट करके बताओ तुमसे अपलोड होता है कि नहीं।